मध्य प्रदेश की फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन टीम बिलासपुर के दुकानदारों को ट्रेनिंग दे रही है और इस ट्रेनिंग के जरिए दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है। 2 सदस्यों की ये टीम बिलासपुर पहुंचकर खाद्य पदार्थ बेचने वाले जिला के करीब 9000 पंजीकृत दुकानदारों व 640 लाइसेंस होल्डरों को 3 महीनों में ये टीम फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग देगी। जिला भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर सविता ठाकुर ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर बिलासपुर से इस ट्रेनिंग अभियान का आगाज किया गया। सविता ठाकुर ने बताया कि ये ट्रेनिंग करीब 3 माह तक जारी रहेगी। जिला के हर क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित क्षेत्रों के सभी दुकानदारों को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य रहेगी। उन्होंने दुकानदारों को इस ट्रेनिंग अभियान में पहुंचने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी है कि जो पंजीकृत दुकानदार इन ट्रेनिंग शिविरों में नहीं आएगा, उस पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की BRD वर्ल्ड प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी को दुकानदारों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये ट्रेनिंग हर राज्य के दुकानदारों को दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से दुकानदार हाइजीनिक खाद्य पदार्थ व फूड सेफ्टी के बारे में जानेंगे। ये प्रशिक्षण हर दुकानदार के लिए आवश्यक रहेगा। ट्रेनिंग के बाद दुकानदारों को एक्सपर्ट सर्टिफिकेट भी दिए गए। सितंबर को शुरू होने वाले अश्विन नवरात्रों को लेकर जहां प्रदेश के शक्तिपीठों और मंदिरों में आस्था का शलाप देखने को मिलेगा, तो वहीं चारों ओर मां के भजनों से माहौल भक्तिमय बन जाएगा। इसी के चलते बिलासपुर के होनहार कलाकार अभिषेक सोनी और उनकी टीम द्वारा मां के चरणों में समर्पित 2 भजन गाए गए हैं, जिसमें से एक भजन उड़दिया पंछियां अब जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा। उड़दिया पंछिया भवन को स्वर अभिषेक सोनी ने दिया, तो वहीं संगीत परमजीत पम्मी ने दिया है और भजन को बिलासपुर के ही पंडित परमानंद शर्मा ने लिखा है। वहीं भजन के लॉन्चिंग से पूर्व बिलासपुर के ADM विनय धीमान ने इसका पोस्टर लॉन्च किया और भजन से संबंधित सभी कलाकारों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भजन के गीतकार अभिषेक सोनी ने बताया कि भजन के बोल भले ही पंजाबी है, मगर शूटिंग बिलासपुर जिला के विभिन्न लोकेशन पर की गई है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भजन को देखने के बाद बिलासपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी अभिषेक सोनी की टीम द्वारा सांबरा भजन प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। अखिल हिमाचल क्षत्रिय महासभा प्रदेश स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष यशपाल सिंह राणा की अध्यक्षता में घुमारवीं में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सन 2020 में आरक्षण की अवधि समाप्त हो रही है, अतः किसी भी समुदाय को आरक्षण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जातियों की गणना से संबंधित गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वर्ण 35% व आरक्षित वर्ग के लोग 65% हैं, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे देश में आरक्षण व्यवस्था लागू करके योग्यता वाले लोगों को बाहर किया जा रहा है। अतः क्षत्रिय महासभा ने सरकार से मांग की है कि आरक्षण के स्थान पर योग्यता को मापदंड बनाया जाए व आरक्षण को पूरी तरह समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि गुज्जर समुदाय के कुछ नेता क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास को चोरी करने का प्रयास कर रहे, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महासभा के संज्ञान में आया है कि घुमारवीं उपमंडल की भपराल पंचायत के बनी अनुसूचित जाति के कुछ लोगों ने गांव के ही स्वर्ण लोगों पर आरक्षण की आड़ में जाति सूचक शब्द कहने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है, जो कि झूठा है, तथा स्वर्ण समाज को बदनाम करने की कोशिश की है। अतः महासभा ऐसे कृत्यों का पुरजोर विरोध करती है व सरकार से मांग करती है कि स्वर्ण लोगों को झूठे केसों में फंसाने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर इस मुद्दे पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो महासभा आंदोलन करने पर मजबूर होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट में जो संशोधन किया है उसे तुरंत वापस लिया जाए। यशपाल राणा ने कहा कि आने वाली 20 अक्टूबर को राजा मिहिर भोज प्रतिहार, जो कि गुज्जर प्रतिहार राजवंश के सबसे महान राजा माने जाते हैं, उनकी जयंती का प्रदेश स्तरीय समारोह बिलासपुर में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल स्वर्ण समाज से सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं और उसके बाद स्वर्णों को अनदेखा कर दिया जाता है। यही कारण है कि आरक्षण को कोई भी राजनीतिक दल हटाना नहीं चाहता है। डीसी साहब से मुलाकात करी और इसका विरोध किया और 19 अगस्त को डीसी बिलासपुर को एक मेमोरेंडम दिया गया, उसको ज्ञापन दिया गया और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो ऐसी समाज के लोग उन्होंने एक सूरज मुनाकिद कर दिया और हमारी सरकार से मांग है कि इसकी सही और निष्पक्ष जाँच करवाई जाए। हम सरकार को एक महीने का वक्त देते हैं कि इसके सही दिशा में जाँच हो, सही तरीके से जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, नहीं तो अन्यथा हमें सड़कों पर।